अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट फोर ऑफ एसक्यूलाइट। हम पहुँचे यहाँ तक हैं कि हमारे पास स्प्लैश के बाद ये एक्टिविटी आ जाती है और हमने यहाँ से डेटा सेव करना है। तो बटन क्लिक के ऊपर मैंने ये इन्फॉर्मेशन रीड कर ली है और नेम, कोर्स, कॉन्टैक्ट और इस इन्फॉर्मेशन को अब मैंने भिजवाना है डेटाबेस के अंदर। लेकिन डेटाबेस और टेबल्स फ़िलहाल मेरे पास नहीं हैं। सो जो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे तो डेटाबेस जो है उसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेज लिया है डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या उसके साथ काम करने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड में एक हेल्पर क्लास है, हेल्पर क्लास है हमारे पास, और उस हेल्पर क्लास का नाम है एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। बेसिकली इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करेंगे और इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको ओवरराइट करेंगे और वो जो मेथड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। प्लस हम इस क्लास का जो है वो कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करेंगे। सो इस क्लास को हमने क्या करना है, इस क्लास को हमने इनहेरिट करना है। सो डेटाबेस में मैंने राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं पहले तीन पैकेजेस बना चुका हूँ और इस एक्टिविटी पैकेज के अंदर हमारे पास तमाम एक्टिविटीज़ हैं और डेटाबेस पैकेज के अंदर हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड जो क्लासेस होंगी वो हम लेंगे। सो यहाँ पे मैं जावा की क्लास बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ डीबी हेल्पर के नाम से। इसको मैंने ओके कर दिया। सो ये हमारे पास क्लास बन गई है डीबी हेल्पर। अब ये क्लास क्या करेगी, ये क्लास एक्सटेंड करेगी किसको, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर को। अब ये आपको ये रेड एरो क्यों दे रहा है, उसकी वजह ये है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और या तो आप इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लें या फिर इसके जो मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लें। अब कंट्रोल प्रेस करें और इस पे क्लिक करें तो ये हमें इस क्लास की डेफिनेशन पे ले आएगा। तो आप देख सकते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। सो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, एक ऑन क्रिएट है और एक ऑन अपग्रेड है। ऑन क्रिएट ये आप देख सकते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ऑन क्रिएट और यहाँ पे सेमीकॉलन है, मींस इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसकी बॉडी नहीं है। सो ये ऑन क्रिएट है, इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, कॉल्ड व्हेन द डेटाबेस इज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये मेथड कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका डेटाबेस फर्स्ट टाइम पे क्रिएट होता है। दिस इज़ वेयर द क्रिएशन ऑफ टेबल्स एंड इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द टेबल्स शुड हैपन। सो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे और अगर उनको आप किसी इनिशियल वैल्यू से पॉपुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो एक ये मेथड है और एक हमारे पास ऑन अपग्रेड मेथड है। ऑन अपग्रेड ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये मेथड कब एग्जीक्यूट होता है, कॉल्ड व्हेन द डेटाबेस नीड्स टू बी अपग्रेडेड। द इम्प्लीमेंटेशन शुड यूज दिस मेथड टू ड्रॉप टेबल्स, ऐड टेबल्स और डू एनीथिंग एल्स इट नीड्स टू अपग्रेड टू द न्यू स्कीमा वर्जन। ये कब एग्जीक्यूट होता है, लेट्स से आपने ऐप बनाई, आपने उसमें डेटाबेस रखा और आपने वो प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया और लोगों ने इंस्टॉल किया, लेकिन कल आप कहते हैं कि इसमें मैंने एक और टेबल ऐड करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए फिर आप इस ऑन अपग्रेड मेथड को जो है वो यूज़ करते हैं। सो आते हैं इस डी बी हेल्पर क्लास के अंदर। यहाँ पर मैं करता हूँ ऑल्ट एंटर और क्या करें, इम्प्लीमेंट मेथड्स। सो कौन कौन से मेथड्स, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। ओके, ये दो मेथड जो हैं हम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। प्लस हमें यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्टर है, देर इज़ नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर भी हमने इम्प्लीमेंट करना है। सो फिलहाल मैं इसको ये यस कर दें, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें क्या चाहिए, फिलहाल कॉन्टेक्स्ट चाहिए। जो मैंने डिलीट करना था वो नहीं हुआ, सो इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है।
अब यहाँ पे है सुपर कॉन्टेक्स्ट नेम फैक्ट्री और वर्जन। सुपर क्या करता है, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सो हमारी इस क्लास का जो सुपर क्लास है वो एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर है। सो कॉन्टेक्स्ट हम पास करेंगे, ये डेटाबेस का नाम पास करेंगे और यहाँ से डेटाबेस का वर्जन पास करेंगे। फैक्ट्री को हम नल रखते हैं क्योंकि हम कोई अपनी चीज़ नहीं बना रहे बल्कि हम जो बिल्ट इन एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर है उसको यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस का नाम आपकी मर्जी है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ लेट्स से इंटेल डॉट डी बी, ये हमारे डेटाबेस का नाम हो गया। दिस शुड बी स्ट्रिंग और जो वर्जन है ये इंटीजर है तो इसको मैंने 1 कर दिया है। सो इसके साथ होगा क्या कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपके डेटाबेस का नाम और उसका वर्जन जो है उसको असाइन हो जाएगा। अब एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पे इसको ना लिखें बल्कि इसके लिए हम स्टैटिक वेरिएबल्स, फाइनल वेरिएबल्स ले लेते हैं और इसमें इनको डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इंटेल डॉट डी बी। सो क्या करना है, हमने इस इंटेल डॉट डी बी को यहाँ से हटा देना है और इसकी जगह हमने लिख देना है डेटाबेस नेम। सो डेटाबेस नेम क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इस इंटेल डॉट डी बी के साथ। और सिमिलरली ये जो वर्जन है इसके लिए भी हम कॉन्स्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, दिस शुड नॉट बी स्ट्रिंग, इसको इंटीजर रखना है। डेटाबेस वर्जन इज इक्वल टू 1। सो इस वर्जन को हमने रिमूव कर देना है, किस से रिमूव कर देना है, डेटाबेस वर्जन के साथ। सो ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप स्टैटिक और फाइनल फील्ड्स यहाँ पे बनाएं। अब हमने काम करना है ऑन क्रिएट में। सो ऑन क्रिएट में हमने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी है वो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डी बी डॉट एग्जीक्यूट एस क्यू एल और जो टेबल क्रिएट करने की क्वेरी है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो टेबल क्रिएट करने के लिए हम कौन सी क्वेरी यूज़ करते हैं, अगर आप एसक्यूलाइट से वाकिफ हैं, एसक्यूएल से सॉरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें जो इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, तो उनका आइडिया होना चाहिए। सो हम फिलहाल जो हैं क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रिएट सॉरी अबाउट दैट क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम होगा। सो टेबल को हम नाम देते हैं लेट्स टी बी एल अंडर स्कोर स्टूडेंट। यहाँ पे फिर कॉलम्स होंगे, लेट्स से आईडी है और आईडी और उसकी डेटा टाइप। सो आईडी हमारे पास क्या है, इंटीजर है और इसको हम प्राइमरी की रखेंगे और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आईडी का हमने जिक्र नहीं किया। सो होगा ये कि जब आप स्टूडेंट ऐड करेंगे सो उसकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी और यूनिक होगी। इसके बाद फिर हमारे पास जो है नाम है और नाम जो है हम टेक्स्ट फॉर्म में ले लेते हैं और इसको नॉट नल कह देते हैं। सिमिलरली फिर हमारे पास कोर्स है, ये भी टेक्स्ट में है और नॉट नल, इसको भी नल नहीं रखना। इसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट है, ये भी टेक्स्ट फॉर्म में होगा और इसको भी नल नहीं छोड़ना। इसके बाद हमारे पास टोटल फी है, इसको हमने लेना है इंटीजर में और इसको भी नॉट नल करना है। और फाइनली हमारे पास है फी पेड, इसको भी इंटीजर रखना है और नॉट नल कर देना है। सो ये बेसिकली वो क्वेरी है जो कि हमने ऑन क्रिएट में एग्जीक्यूट करनी है। जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो टेबल है टी बी एल स्टूडेंट वो क्रिएट हो जाएगा। सो अब इसमें भी एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ये जो कॉलम्स हैं इनको आप पहले से प्री डिफाइन कर लें।
क्योंकि ये कॉलम्स के नाम जो हैं ये फिर हमें बार बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो हमें इन कॉलम्स के नामों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी बेहतर ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग की अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे हमने इसको आईडी के दिया, कंट्रोल सी, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। एक जो कॉलम है वो आईडी है, दूसरा जो कॉलम है वो नेम का हो जाएगा, ये हमारे पास कोर्स का हो जाएगा, ये जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट का हो जाएगा, और ये हमारे पास टोटल अंडरस्कोर फी का हो जाएगा, और इसको मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करता हूँ, ये हमारे पास फी पेड का हो जाएगा, और इनको हम रिप्लेस कर देते हैं नेम, ये हमारे पास कोर्स हो जाएगा, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास, ये जस्ट कॉलम्स के नाम्स हैं, तो इसलिए ये तमाम जो हैं ये स्ट्रिंग्स में हैं, फी पेड। यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग क्रिएट टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं वो क्वेरी लिखूंगा, और एंड में जो हमारे पास ऑन क्रिएट है इसको मैं कह दूंगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट। वो क्वेरी बेसिकली मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा इन डबल कोट्स के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, और एंड में ये जो स्ट्रिंग है क्रिएट टेबल स्टूडेंट वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, तो क्या होगा, हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्रिएट, सॉरी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, टेबल। अब टेबल का नाम भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट। मैं यहाँ पे कहूँगा क्रिएट टेबल, और इसके साथ हम कंकेट कर देंगे टेबल स्टूडेंट। ये जो स्ट्रिंग है ये रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। हमारा जो टेबल क्रिएट होगा उसका नाम होगा टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट प्लस, और इसके बाद जो है ये ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद मज़ीद हम कोड जो है यहाँ पे करते हैं प्लस। अब यहाँ पे कॉलम का नाम होगा और उसके अगेंस्ट जो उसका डेटा टाइप है वो होगा। जो पहला कॉलम है वो है की आईडी प्लस डबल कोट्स, यहाँ पे एक स्पेस लाजमी छोड़ना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ते, उसकी वजह ये है कि जब आप क्वेरी लिखते हैं तो आप लिखते हैं आईडी, और आईडी के बाद ये जो स्पेस है ये रह जाता है। ये इस तरह बन जाता है तो उसको फिर वो कॉलम नहीं मिलता। यहाँ पे स्पेस जो है मस्ट आपने छोड़ना है। अब की आईडी, ये हमारे पास इंटीजर है, प्राइमरी की है, और ऑटो इंक्रीमेंट है, कॉमा, एंड दोबारा यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और कंकेट कर देंगे। दूसरी जो हमारे पास कॉलम है उसका नाम है नेम प्लस, अगेन यहाँ पे ये हमारे पास टेक्स्ट नॉट नल कॉमा, और यहाँ पे आपने फिर प्लस लगा देना है की कोर्स प्लस टेक्स्ट नॉट नल कॉमा, यहाँ पे आपने फिर प्लस लगा देना है की अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट प्लस स्पेस टेक्स्ट नॉट नल। कॉन्टैक्ट नंबर को हम टेक्स्ट या स्ट्रिंग में लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई प्लस माइनस नहीं करना। की टोटल फी प्लस, अब ये हमारे पास एक इंटीजर फील्ड है क्योंकि फी जो है वो हम नंबर
समेरिक वैल्यू जो है वो एंटर करेंगे, और की फी पेड प्लस ये भी हमारे पास इंटीजर और नॉट नल, और एंड में आपने ये क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देना है और सेमी कॉलन ऑलरेडी हमारे पास है, ये जो सेमी कॉलन है। सो ये बेसिकली वो क्वेरी है जो कि हमने पास की है ऑन क्रिएट टेबल स्टूडेंट में। तो इसके साथ क्या होगा, हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली ऑन अपग्रेड में क्या करना है, ऑन अपग्रेड में आपने ये करना है db.execute sql drop table if exists, टेबल का क्या नाम है, टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट, और ऑन क्रिएट यहाँ से दोबारा कॉल कर देना है और उसको जो है db जो है वो पास कर देना है। सो ये हमने क्या किया है, बेसिकली अब इसको यूज़ किस तरह करना है इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ से हम स्टूडेंट को इनिशियलाइज ऐड भी करेंगे और डेटाबेस को इनिशियलाइज भी करेंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। शुक्रिया।